जय श्री हरि। बंधुओं, चूहे मारते हैं आप में से कई लोग, हमने भी मारे, और चूहे मारने का क्या प्रायश्चित है। हम मार तो देते हैं, लेकिन आप ये सोचो जितने अधिक संख्या में मारोगे उतना अधिक आपको पाप लगेगा, फिर उसका आप प्रायश्चित करते रहो। नहीं करो प्रायश्चित तो वो पाप साथ रहेगा और उसका फल होगा नरक और कलेश आपके साथ, रोग दुख बीमारी। तो क्या प्रायश्चित है कि यदि हम एक चूहे को मार दें उसका क्या प्रायश्चित करना चाहिए हमें? आइए शास्त्र के अनुसार आपको बताते हैं चूहे के मारने का क्या प्रायश्चित है। कई बार गलती से भी मर जाते हैं, उन सब का भी एक ही प्रायश्चित है, आपको बता देते हैं। जैसे वाहन के नीचे आ जाना, पैर के नीचे आ जाना, तो आइए बताते हैं शास्त्र के अनुसार प्रायश्चित। सर्वप्रथम बताते हैं आपको मनुस्मृति अध्याय 11 131 से 132 श्लोक क्या कहा गया। 131 श्लोक में कहा गया है, बिल्ली, नेवला, नीलकंठ पक्षी, मेंढक, कुत्ता, गोह, उल्लू और कौवा, इनमें से किसी को मारकर शूद्र हत्या के व्रत को करे। अब शूद्र हत्या का व्रत तो बहुत बड़ा है, महीनों लगते हैं, संभवतः 6 महीने लगते हैं, जंगलों में रहो और ये आचरण करो, तो आपको थोड़ा छोटा प्रायश्चित बताते हैं। अगले श्लोक में लिखा गया है क्या, अथवा उक्त मारजार आदि को मारने वाला 3 रात दूध पिए और कुछ नहीं खाए पिए, 3 रात तक बस दूध, या 1 योजन गमन करे। 1 योजन इन्होंने 4 कोस लिखा है, अब आप अनुमान लगाएं 4 कोस कितना होता है। कहीं कहीं स्थान पर 1 योजन 4 किलोमीटर भी लिखा है, और 1 कोस में तो संभवतः 2.5-3 किलोमीटर होता है। तो कुल मिला के जो आधी गोवर्धन की परिक्रमा है 8-9 किलोमीटर तो करनी पड़ेगी, या नदी में स्नान करें, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करें, अथवा एक सूक्त का जब बताया गया वो हर किसी के लिए है नहीं, इसलिए नहीं बताते हैं आपको। आइए अगला आपको बताते हैं अत्रि स्मृति के अनुसार। अच्छा, मनुस्मृति में स्पष्ट चूहे का उल्लेख तो है नहीं, मारजार आदि का उल्लेख है, बिल्ली नेवले आदि का उल्लेख है, तो लगभग चूहा इतना ही बड़ा होता है, क्योंकि उससे फिर उसके पश्चात जो श्लोक आते हैं उसमें छोटे पशुओं का उल्लेख है, जैसे गिरगिट आदि, तो गिरगिट आदि से तो बड़ा होता है चूहा, तो इसलिए वो मारजार आदि की श्रेणी में आएगा। अब अत्रि स्मृति में आइए आपको दिखाते हैं 225वें श्लोक में कहा गया है, शरभ ऊंट, घोड़ा, हाथी, शेर, शार्दुल की हत्या करके शूद्र हत्या का जो प्रायश्चित है उसे करे। अगले श्लोक में कहा गया, बिलाव, गोह, नेवले, मेंढक, पक्षी को मारकर 3 दिन तक दूध पिए और मारने पर जो कृच्छ कहा गया है उसे करे। तो ये नेवले आदि के बराबर वाले पशुओं को मारकर 3 दिन तक दूध पिए और मारने पर जो कृच्छ कहा गया है उसे करे। तो कृच्छ व्रत जो है वो थोड़ा लंबा है, तो 3 समय आप 3 दिन तक रात्रि में मात्र दूध पिए, जैसा कि मनुस्मृति में भी कहा गया है, और यहाँ तो कृच्छ व्रत भी कहा गया है, तो आप तो 3 दिन तक दूध पिए, ये छोटा है। अब आपको बताते हैं अगला संवर्त स्मृति 151वां श्लोक। अत्रि स्मृति मनुस्मृति में चूहे का नाम तो नहीं लिया गया है, बिल्ली नेवले आदि का नाम लिया गया है, तो उसके बराबर के चूहे होते हैं, इसलिए हमने वो प्रायश्चित बताया, लेकिन यहाँ संवर्त स्मृति में चूहे का नाम लिया गया। आइए बताते हैं, 151वां श्लोक है संवर्त स्मृति, कहा गया है मेंढक को मारकर और सांप, बिलाव एवं चूहों को मारकर, तो वहां बिलाव का उल्लेख था, मारजार आदि का उल्लेख था, तो इनको मारकर 3 रात्रियों तक उपवास करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए। और क्योंकि मनुस्मृति में जो हमने कहा गिरगिट आदि पशु का उल्लेख था और उससे पहले मारजार नेवले आदि का उल्लेख था, बीच में कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए हमने चूहा माना बिल्ली मारजार आदि वाले श्लोक में कि चूहे का भी वही प्रायश्चित होगा, क्योंकि बिना हड्डी वाले और हड्डी वाले जीवों का आगे उल्लेख था,
तो यहाँ भी संवर्त स्मृति में 152वां श्लोक हड्डी वाले और बिना हड्डी वाले जीवों का है, तो यानी उनमें तो चूहा नहीं आएगा, उससे पहले वाले में ही आएगा। तो पहले वाले ये हैं, इनमें उल्लेख कर दिया, बिलाव और चूहों को मारकर 3 रात्रियों तक उपवास करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए। तो मनुस्मृति में भी 3 रात तक दूध पीने का कह दिया, अत्रि स्मृति में भी दूध पीने को कह दिया, और भी कहा है मनुस्मृति में, और यहाँ भी 3 रात तक उपवास कह दिया, कुछ भी न खाए, और 3 रात के उपरांत चौथी सुबह ब्राह्मणों को जिमाए, उन्हें भोजन कराए, तब ये शुद्धि होती है। एक चूहे के मारने पर दसियों मार दियो तो सोच लेना। और यदि आप यज्ञोपवीत शिखा आदि धारण करने वाले हैं, संध्योपासना करने वाले हैं, शास्त्रों का नित्य अध्ययन करने वाले द्विज हैं, शिखा और सूत्र धारण करके, तब तो आपकी निवृत्ति हो जाएगी पाप से। लेकिन आप इनमें से कुछ भी नहीं करते, तब तो आपको प्रायश्चित अवश्य ही करना पड़ेगा। वैसे इन लोगों को भी प्रायश्चित करना चाहिए, करें तो अच्छा है और अच्छी बात, क्योंकि इनके तो पाप सदैव प्रतिदिन नष्ट होते हैं। एक और बात एक स्थान पर कही गई है कि शूद्र के लिए प्रायश्चित नहीं है, एक स्थान पर ऐसा कहा गया है। तो जिनके लिए प्रायश्चित नहीं है वो ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, यहां तो नहीं कहा गया, एक जगह कहा गया, इसलिए मैंने बताया, पराशर स्मृति में एक स्थान पर ऐसा उल्लेख है, संभव है। अब संवर्त स्मृति के उपरांत पराशर स्मृति अध्याय 6 श्लोक 9, इसमें भी चूहे का उल्लेख नहीं किया गया, वही नेवले बिल्ली आदि का। क्या कहा है? नेवले, बिलाव, सांप, अजगर और डुंडुग को मारकर ब्राह्मणों को क्रिसर खिलाए और लोह दंड दक्षिणा में दे। ब्राह्मणों को खिचड़ी खिलाए और लोहे का डंडा दक्षिणा में दे। अब लोहे के डंडे का ब्राह्मण देवता क्या करेंगे? तो लोहे की ऐसी कोई वस्तु आप दे सकते हैं। तो ये पराशर स्मृति में उल्लेख है, ये कलयुग के लिए विशेष रूप से पराशर स्मृति बनी है। तो देखिए आप कौन सा प्रायश्चित करेंगे, कौन सा आपको आपके लिए उपयुक्त है, और प्रायश्चित अवश्य करें, पाप अपने साथ ना रखें, पापों से ही रोग, अपने लोगों का अहित, उनके उनको रोग, मृत्यु, दरिद्रता, इन सब का हमें सामना करना पड़ता है, और ऊपर जाके तो नरकों का सामना, फिर नीचे आके योनियों में जन्म, कुत्ता, गधा, मुर्गा, बकरा जो कटते हैं, हलाल होते हैं, कीट होते हैं जिन्हें ऐसे ही मार दो, मच्छर आदि, इन योनियों में फिर आपको जन्म मिलेगा। लता आदि, खड़े रहो, हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, बुद्धि नहीं है, उसमें भगवत प्राप्ति भी नहीं हो पाती है। तो इसलिए पापों का नाश कर लो। धन्यवाद। जय श्री हरि।